और आज सुबह केदारनाथ पैदल मार्ग में पत्थर गिरने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया। केदारनाथ धाम के रास्ते में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। पहाड़ी से पत्थर के साथ मलबा गिरने से कुछ तीर्थयात्री उसकी चपेट में आ गए। किसी को जब तक कुछ समझ आता, 6 यात्री हादसे की जद में आ गए। इनमें 3 यात्री रास्ते में ऊपरी रास्ते से नीचे गिरे। पत्थर पर सर टकराने की वजह से घटनास्थल पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। उन्हें गौरीकुंड पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहाड़ों पर बारिश होने की वजह से काफी मात्रा में मलबा गिरा। कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। ये तस्वीर देखिए, एक आदमी भाग रहा है और काफी मात्रा में संकरे रास्ते पर पत्थर गिरे हैं। अब हादसे की तुरंत बाद का ये वीडियो देखिए। यात्रा मार्ग की लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए बड़े बड़े पत्थर गिर पड़े। पत्थर के साथ कुछ पेड़ भी नीचे आए, जिनके साथ यात्री भी गिर पड़े। हादसे के बाद कुछ लोग देखिए किस तरह भागते नजर आए। बताया जाता है कि यह हादसा गौरीकुंड के करीब 3 किलोमीटर आगे चीरवासा नाम की जगह पर हुआ। हादसे के बाद गौरीकुंड पुलिस और DDRF की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी, लेकिन 3 लोगों को नहीं बचा जा सका। और पुणे से गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार पर बोला है बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार के सरगना है शरद पवार। अमित शाह ने यह भी कहा कि शरद पवार ने भ्रष्टाचार को संस्थागत किया। कंफ्यूजन में मत आइए, वो सर्कुलर कर गए थे, 10 साल में 1 किलो दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, और अगले 5 साल तक 1 ग्राम भी दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं होगा। आज मैं आपके बीच में ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं।